एक बात ध्यान रखना, इस जगत में दो चीजें ऐसी हैं जो घटती और बढ़ती एक साथ है, बाकी और कोई चीज ऐसी आज तक नहीं बनी जो बढ़े और घटे एक साथ नहीं। टैंकी में पानी बढ़ेगा तो घटेगा नहीं, और घटेगा तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन एक चीज परमात्मा ने ऐसी बनाई आपके लिए जो एक साथ घटती भी है और एक साथ बढ़ती भी है, वो क्या है? वो है आपकी आयु। जितनी बढ़ेगी उतनी घटेगी, जितनी बढ़ेगी उतनी घटेगी। और इस जगत में एक ही चीज सुनिश्चित भी है और अनिश्चित भी है, सुनिश्चित भी है और सुनिश्चित है, मृत्यु होगी ये पक्का है। मृत्यु होगी ये कब होगी ये पक्का नहीं है, निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। वो क्या है? मृत्यु। तो आप अमरनाथ जी की पवित्र भूमि में बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अमरनाथ जी का वास्तव में मतलब क्या है। यहाँ जो शिवलिंग बनता है, वैसे तो शंकर जी अनंत है, ये आकाश उनका लिंग है। आकाश क्या है आप कभी गौर से देखना, कल बाहर खड़े हो जाना और दो चार मिनट आकाश को देखते रहना। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, आपको आकाश की आकृति शिवलिंग के जैसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? भगवान का शिवलिंग तो आकाश है, इसीलिए शंकर जी का एक नाम है चिदाकाश। शंकर जी का एक नाम क्या है? चिदाकाश। आकाश रूप में आकाश का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग बनता है वो बनता है बर्फ का। काहे का बनता है? अब बहुत लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए दर्शन देता है, कुछ समय के लिए कृपा करने के लिए भक्तों को दर्शन दे। अब बर्फ का स्वभाव क्या है पहले ये समझिए। बर्फ जल है, जल जब जम जाता है तो किसका रूप हो जाता है? पानी का। अपना कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार है। पानी को जिस बर्तन में डाल दोगे उसके जैसी आकृति हो जाएगी। पानी को क्या कहते हैं? निराकार। आपको पता होगा संस्कृत में पानी का नाम ही नीर है, नीर आकार, जिसका कोई आकार नहीं, पानी का कोई आकार नहीं। बाल्टी में डाल दिया बाल्टी के जैसा, गिलास में डाल दिया गिलास के जैसा। लेकिन कोई पानी जिसका कोई आकार नहीं था, अगर उसी को फ्रिज में रख दिया जाए, बर्फ बना दिया जाए, तो उसी निराकार का आकार बन जाता है कि नहीं? उसी निराकार का आकार बन जाता है। समझना, परमात्मा है तो निराकार, लेकिन जब भक्त उसको मिलकर के पुकारते हैं, वही निराकार परमात्मा तुम्हारे आगे साकार बन करके प्रकट हो जाता है। साकार होते हुए भी तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी एक विशिष्ट पराकाष्ठा भक्ति की जब देखता है, तो वही निराकार साकार बन करके खड़ा हो जाता है। एक बात विचार करना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको बात समझ में आ रही है? और नहीं भी आएगी तो मेरा क्या बिगाड़ लूंगी। कृष्ण कन्हैया लाल, समझने की बात, विचार करना जाए। आप सनातन वैदिक परंपरा में किसी भी मंदिर में जाइए, हजारों लाखों मंदिर है हिंदू धर्म में, आप जिस भी मंदिर में जाएंगे, करीब करीब 95% मंदिरों में भगवान की मूर्तियां आपको खड़ी हुई मिलेंगी। भगवान की मूर्तियां कैसी मिलेंगी? अरे बोलो ना, बैठी हुई कम और खड़ी हुई ज्यादा। राधा कृष्ण जी खड़े हैं, लक्ष्मी नारायण जी खड़े हैं, सीताराम जी और अर्धनारीश्वर जी। आपने कभी विचार किया कि सभी मंदिरों में परमात्मा की मूर्तियां खड़ी क्यों रहती? बिठा नहीं सकते क्या? नहीं, करीब करीब 95% मंदिरों में भगवान की मूर्तियां खड़ी रहती है। उसका कारण कभी विचार किया? भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे दिल से पुकारे तो सही, बैठ कर उठने में जितनी देर लगती है मैं तो कभी उतनी देर भी नहीं करता हूँ। हमारे पुकारने में देर है, परमात्मा के साकार होने में देर नहीं। महाराज हम तो टिक्की छोले और गोल गप्पे के चक्कर में पड़े हैं, परमात्मा इसीलिए हमसे दूर है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं आपके पंजाब के संग में, बुल्लिया रब तेरे कोलो वख नहीं, रब तो बिना इत्थे कख नहीं, पर तेनू ताइयों दिखदा कख नहीं के तेरे कोल वेखण वाली अख नहीं। हमारे पास आंख नहीं कि हम परमात्मा को देखें, हमारा मन संसार में टिका है महाराज। और ध्यान देना, जब तक मन संसार में टिका रहेगा आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते।